जैसे पहुंचोगे ना पानी का आवाज सुनाई देगा। आपका प्यार का इजहार किया हुआ है। वाओ, उधर का लोकेशन देखो, क्या मस्त लग रहा है। अमेजिंग, पीछे का नजारा, ये बहुत डीप होगा। अमेजिंग लग रहा है यार। और देखो बहुत कोई उधर से जाके ऊपर चढ़ा है। आज एक ऐसा वाटरफॉल जा रहे हैं जिसके लिए हमेशा प्लान बनते रहा लेकिन जा नहीं पाए, और वो मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है। एंड उसका खूबी क्या है पता है? उस वाटरफॉल के बीच में एक पेड़ है। गेस कर पाए ना? अभी तो गेस कर लियोगे। तो चलो आज मिलाते हैं अपने साथ कौन कौन है। लेट्स गो। आज मेरे साथ है पार्थो, चेक करते हुए। ओके, और भाई है निशांत भाई। हेलो सभी को। चलो कैसे आप लोग? मस्त। तो भाई का फर्स्ट टाइम है, तो उम्मीद करते भाई को हम लोग के साथ मजा आएगा। बिल्कुल। तो अब चलते हैं हम लोग पिठोरिया से, जो रास्ता है ना वहां से हम लोग चलेंगे तिरु वाटरफॉल। लेट्स गो। तो चलो अभी हम लोग बस 15 किलोमीटर दूर है तिरु वाटरफॉल से। किलोमीटर के बाद कांके रोड से ये पीछे दिख रहा है तिरु वाटरफॉल, और यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, रास्ते इज लाइक सुपर्ब। तो चलो अब हम लोग चलेंगे। लोकेशन पे पहुंच गए, और एज यूजुअल यहाँ पे है टिकट काउंटर। सो यहाँ पे देखते हैं कितना टिकट लेते हैं अभी। और यहाँ पे देखो ऐसे एंट्री हो जाता है, गाड़ी का, फोन नंबर। अब 20 रुपया है मोटरसाइकिल का एंट्री, और 40 रुपया है कार का, और 5 बजे तक का टाइमिंग है। एंड यहाँ पे पहुँचते ही जैसे पहुँचोगे ना पानी का आवाज़ सुनाई देगा। और क्या है कि यहाँ पे मंदिर है, मंदिर से ऐसे राइट लेंगे तो चल जाएंगे नीचे का, और लेफ्ट लेंगे तो चल जाएंगे ऊपर वाला, जो अलग व्यू है। मंदिर के इधर आए, ये रहा है ऐसे सीढ़ी इधर से जाने का नीचे, और नीचे का दिख रहा है क्या खतरनाक व्यू आ रहा है। लेकिन हम लोग चलेंगे अभी इधर, क्योंकि थोड़ा ऊपर का भी व्यू और नज़ारा दिखाना ज़रूरी है ना। और ये एक भवन आएगा, इसके अंदर भाई साहब सबका देखो, सबका प्यार का इजहार किया हुआ है। वाओ। और ये भवन है ना, भवन से इस तरफ नीचे आना है, और बस इधर ही पानी का फ्लो है। चलो दिख गया वहाँ पे रास्ते दिख रहे हैं। पीछे वो बाबा मिले, तो बाबा बता रहे थे यहाँ पे पहले बाघ वाघ भी था, लेकिन अब वैसा नहीं है। एक दो हिरन कभी दिख जाता है तो दिख जाता है। अभी चलते हैं नीचे नदी की तरफ। अमेजिंग जगह है पिकनिक के लिए, जबरदस्त। और एक चीज दिखाएं, उधर का लोकेशन देखो, क्या मस्त लग रहा है। अमेजिंग। ये सब जगह को प्लीज गंदगी और कचाड़ करके मत रखना। यहाँ पे देखो पूरा प्लास्टिक फेंका हुआ है। तो अगर आते हो, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना जो कचड़ा है ना ये अपने साथ ले जाया करो, ऐसे यहाँ पे छोड़ के मत जाया करो, ये प्रकृति को ही खराब करता है यार। वेल, अभी दिख रहा है हम लोग पानी के बीच में, और पीछे का नजारा, और क्या है ना उधर से रास्ता जाता है मंदिर के लिए। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के टाइम अमेजिंग भीड़ होता है यहाँ पे। निशांत भाई कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत मस्त। आफत आफत ना, जन्नत है, जन्नत एग्जैक्टली। और देखो जन्नत का नजारे का शूट कर रहा है पार्थ।
देखो कितना सुंदर, और वहां से लगता है गिरता है पानी, ठीक है। क्या खूबसूरत नज़ारे लग रहे हैं, देखो अमेजिंग। और यहाँ पे आराम से आके नहा सकते हो, नो इश्यूज। और एक नज़ारा दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से सब पानी आ रहा है ना, अब आने के बाद ये व्यू देखो, वहां पे दिख रहा है, वहां पे ये पत्थर को कंप्लीट पानी तराश दिया है, दिख रहा है वहां से वहां तक। वाव, बारिश में हर जगह भरा रहता है, क्या खतरनाक व्यू आ रहा है पीछे से। यहां से बस व्यू देखो, माय गुडनेस क्या खतरनाक दिखता है पानी का वहां पे, मतलब इसमें फिसल गए तो गए। ये कंप्लीट दिख रहा है, पीछे का नजारा ये बहुत डीप होगा, और वहां से लगता है एक पगडंडी जैसा है इधर से जाके उधर देखने का, बट उतना रिस्क लेने का नहीं है। तो ये कंप्लीट यहां से है, और आगे का खुला खुला देखो, नीचे लोग नहा भी रहे हैं, और ये यहां से फॉल्स है नीचे। अब जाएंगे नीचे, अभी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, और स्टेयर्स कुछ इस टाइप का है नीचे, दिख रहा है मजेदार। तो तीरू वाटरफॉल में कितने स्टेप्स है अगर किसी को पता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और चलो डायरेक्ट नीचे चलते हैं। और सीढ़ियों से उतरते उतरते यहाँ के नजारे देखो, वो नीचे और वो दूर तक पूरा अमेजिंग। और देखो यहाँ पे पहुंचते ही दिख रहा है वाटरफॉल, मस्त दिखाते एक मस्त नजारा, दिख रहा है क्या मस्त लग रहा है। और हम लोग वहां तक गए थे, और वहां से ये पानी अब वहां पे गिर रहा है, अमेजिंग नजारा है। और क्या कि नीचे भी दुकान उकान रखा है, ये पूरा खाली है, इधर नहा मा सकते हो। चलो नीचे देखते हैं क्या है, नीचे आए हैं और कुछ ऐसा नजारा है यहाँ पे, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग, वाह जबरदस्त। और यहाँ पे भाई लोग अपना चालू है पिकनिक, और जो पेड़ का बात कहता है ना, ये कुछ ऐसा था क्योंकि यहाँ तक पानी भर जाता था, अमेजिंग लग रहा है यार। और देखो बहुत कोई उधर से जाके ऊपर चढ़ा है, अमेजिंग व्यू, मस्त। मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट अगर वाटरफॉल्स अभी तक झारखंड या रांची में जो देखे ना, वो ये है, वन ऑफ द बेस्ट। और भी है बट देखो क्या मस्त नज़ारे लग रहे हैं। अगर यहाँ पे आते हो ज़रूर अपने टाइम से आना, क्योंकि थोड़ा सुनसान एरिया है, बट एंजॉय करोगे, मज़ेदार। इनको मिल गया कितना बड़ा देसी केकड़ा, मस्त है। उम्मीद करते हैं सेफ्टी के साथ और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आओगे और इतना खूबसूरत वाटरफॉल का मजा लोगे। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड यू डू टेक केयर।